आज भारत को अमेरिका के रिपर ड्रोन मिल गए हैं। अमेरिका ने अपने MQ-9 रिपर ड्रोन भारत की एयरफोर्स को सौंप दिए हैं और कहा है कि चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ इनका भरपूर इस्तेमाल करो। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि भारत ने फिल वक्त रिपर ड्रोन क्यों लिए हैं, क्या वजह थी कि भारत फिल फोर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को लेटर लिखना शुरू कर देता है कि हमें ड्रोन दे दो अपने, अगर आपने ड्रोन न दिए तो अमेरिका का इन्फ्लुएंस पूरी इस रीजन के अंदर खत्म हो जाएगा, भारत का वजूद खत्म हो जाएगा। और इसके अलावा भारत के मोदी ने नेतन्याहू को दोबारा रिमाइंड करवाया है कि अपने खतरनाक हिरोन ड्रोन भारत के लिए भेजो, भारत इसको खरीदना चाहता है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि भारत ड्रोन के मामले में इतना अग्रेसिव अचानक क्यों हो गया है और क्यों अमेरिका ने बगैर पूछे बगैर समझे भारत को अपने खतरनाक किस्म के MQ-9 रिपर ड्रोन भेज दिए हैं। ये ड्रोन भारत किसके लिए इस्तेमाल करेगा और कैसे इस्तेमाल करेगा, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बरवक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले आपको ये बता दें कि अमेरिका ने अपने MQ-9 रिपर ड्रोन भारत को लीज पर दे दिए हैं। लीज का मतलब ये है कि भारत ने ये ड्रोन अमेरिका से रेंट पर लिए हैं। हर एक मखसूस वक्त के बाद भारत की जो सरकार है वो अमेरिका को इन्हीं ड्रोन के बदले में कुछ रेंट दिया करेगी। लेकिन आपको ये बता दें कि अमेरिका एक बड़ा शातर मुल्क है, उसने ये कहा है कि अगर भारत हमसे रिपर ड्रोन खरीदना चाहता है या उसकी टेक्नोलॉजी लेना चाहता है या वैसे लीज पर या रेंट पर लेना चाहता है तो इन ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ दो मुल्कों के खिलाफ करना है। यानी भारत के पास रिपर ड्रोन तो आ गया है, इसका इस्तेमाल सिर्फ दो मुल्कों के खिलाफ कर सकता है। अमेरिका ने एक शर्त रखी है, एक वो चाइना के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, दूसरा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत ने अचानक क्यों अमेरिका को इतना मजबूर किया कि अमेरिका ने अपने रिपर ड्रोन जो कि अमेरिका किसी को नहीं देता फिल फोर भारत को दे दिए। तो आपको ये बता दें कि भारत ड्रोन टेक्नोलॉजी से काफी डरा हुआ है। भारत को जब ये पता चला कि टर्की पाकिस्तान को अपने TB2 ड्रोन देने जा रहा है तो भारत ने अमेरिका को ये बता दिया कि देखो तुर्की के TB2 ड्रोन ने रशिया के S-300 मिसाइल सिस्टम जो आर्मेनिया के अंदर तैनात थे उसको मार गिराया था। भारत ने अमेरिका को यह भी बताया कि अगर ये ड्रोन पाकिस्तान के पास तुर्की के आ गए तो उसने भारत का कुछ नहीं छोड़ना, चाइना तो दूर की बात, भारत यहाँ से तबाह हो जाएगा। भारत ने अमेरिका को यह बता दिया है कि आर्मेनिया के अंदर जो जंग हुई है इसमें सारा का सारा पांसा जो बदला है या पलटा है वो तुर्की के ड्रोन ने तबाही मचाई थी और इतनी तबाही मचाई थी कि रशिया जैसे खतरनाक मिसाइल सिस्टम भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अब जैसे वो पाकिस्तान के अंदर तुर्की के ड्रोन आएंगे तो जाहिर सी बात है हमने शोकेस के अंदर तो नहीं लगाने, उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ ही करना था। तो इसलिए भारत को ये तकलीफ थी कि पाकिस्तान के पास तो ड्रोन आ गए हैं भारत के पास नहीं है, तो अमेरिका से उसने रिपर ड्रोन ले लिए हैं और ये रिपर ड्रोन भारत दो मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, एक चाइना और दूसरा पाकिस्तान। अब दूसरी बड़ी खबर यह है कि भारत ने इजराइल को भी कह दिया है कि अपना हिरोन ड्रोन हमें बेच दो। भारत के मोदी सरकार ने आज नेतन्याहू के साथ राब्ता किया है और कहा है कि हमें ड्रोन दे दो, हम ईरान को नुकसान पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे। यानी अगर इजराइल ईरान के ऊपर हमला करता है तो भारत इजराइल की मदद कर पाएगा। तो नाज़रीन ग्रामी, इस तरीके से भारत के मोदी सरकार जो पहले फाइटर जेट खरीदा करते थे आजकल ड्रोनों के पीछे लग गए हैं।